हेलो दोस्तों, मैं हूं नीता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद नीता में। आज हम बना रहे हैं टोफू की सब्जी, इसको कि सोया पनीर भी कहा जाता है। ये सोयाबीन के दूध से जो पनीर बनाया जाता है उसे बोलते हैं। प्रोटीन और कैल्शियम का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो फ्रेंड्स, टोफू पनीर किस तरह से बनाया जाता है आइए आज हम देखते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं कि टोफू की सब्जी किस तरह से बनाई जाती है। सोया पनीर मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। दिखने में बिल्कुल पनीर जैसा दिखता है। इसमें पनीर से भी ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है। इसमें फैट की मात्रा कम होती है, इसलिए यह हेल्थ पर्पस से और जो लोग कैलोरी कॉन्शियस है उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस पनीर को मैंने 5 मिनट गर्म पानी में रख दिया था और उसके बाद इसको स्ट्रेनर से छान लिया था, तो ये एकदम से फ्रेश और सॉफ्ट हो गया है। ऐसा करने से इसमें जो सोयाबीन की स्मेल होती है वो निकल जाती है। और अब हम इसको एक बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच दही। अब इसमें कुछ ड्राई मसाले डाल देते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। और इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के लिए थोड़ा सा इसको टॉस कर लेते हैं ताकि ये मसाले आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। हाथों से इसको हिलाएंगे तो ये टूटेंगे, इसलिए हम इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं 1 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसको ढक कर 1/2 घंटे के लिए एक तरफ रख देते हैं, जिससे कि ये बहुत ही अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा, सारी मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अब सब्जी बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच धनिए के बीज और 1/2 चम्मच जीरा। और इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। लगभग 30 सेकंड रोस्ट करने के बाद इसको हम ग्राइंडर में हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। और इसी पैन में हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देते हैं। और ऑयल के गर्म होने के बाद मैरिनेट किए हुए टोफू को इस तरह से हम पैन में रख देंगे और फॉक की सहायता से इस तरह से पलटते हुए सारे टोफू गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है, बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये। आप चाहें तो इसी तरह से भी इंजॉय कर सकते हो इन्हें। और जब सारे टोफू गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। और पैन में जो ऑयल रह गया है उसी में हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। तो ये ऑयल जो पैन में बचा हुआ है इसमें अब हम कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 दालचीनी की डंडी, तेजपान और क्रश किया हुआ लहसुन। और साथ ही साथ डाल देंगे 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसको कद्दूकस कर लिया है। और 3 बड़े प्याज मैंने यहाँ पे बारीक चॉप्ड कर लिए हैं। इनको पीसना नहीं है, पीसने से ज़्यादा बेटर है कि आप इसको बारीक बारीक काट लीजिए या कद्दूकस कर लीजिए, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इन सभी चीज़ों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक सौते करेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब यहाँ पर हम वो मसाला ऐड करेंगे, सूखे धनिए का और जीरे का जो हमने बनाया था रोस्ट करके, उसको हमने हल्का दरदरा कूट लिया था वो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। और कुछ सूखे मसाले भी ऐड कर देते हैं जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ धनिया पाउडर। तो ये धनिया पाउडर मैंने ऐड कर दिया लगभग 1 टीस्पून। और इन सभी चीज़ों को हम इन प्याज के साथ भून लेंगे लगभग 30 सेकेंड। तो ये देखिए भूनने से कितना बढ़िया मसाले का कलर आ गया है। और आप देख सकते हैं बहुत ही कम ऑयल में सब्ज़ी बनकर तैयार होगी और बहुत ही प्रोटीन से भरपूर और कैल्शियम से भरपूर होती है। टोफू बहुत हेल्दी होता है खाने में। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3 टमाटर, इसको कि मिक्सर में हल्का सा हमने ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे बारीक कटे टमाटर भी यूज़ कर सकते हो। और अब हम इस टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर ऑयल सेपरेट ना कर दे और ये प्रोसेस जल्दी से हो जाए। इसके लिए हम यहाँ पे नमक ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। 5 मिनट इसी तरह से इसको कुक करेंगे और इसको तब तक हम कुक करेंगे जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना होने लग जाए। और ये देखिए 5 मिनट के बाद इसमें आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होना लग गया है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप क्रीम। तो सिंपली ये घर में जो हमारे दूध के ऊपर मलाई आ जाती है वही मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इससे जो हमारी सब्ज़ी है बहुत ही रिच बनेगी। और दोस्तों, अगर आपके पास मार्केट वाला क्रीम है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। 2-3 मिनट के लिए इसको हम ढककर कुक करेंगे ताकि बहुत ही अच्छी तरह से हमारी ग्रेवी पक जाए। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से ग्रेवी पक गई है और बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रीम ने भी अपना घी रिलीज़ कर दिया है। जो मसाला है अच्छी तरह से फूल जाए उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। और 2-3 मिनट में जब पानी में बॉईल आने लग जाए तब हम हमारे जो टोफू हमने रेडी करके रखे हैं वो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। हल्के हाथों से टोफू को इस तरह से मिक्स कीजिए ताकि ये ग्रेवी में अच्छी तरह से लटपटा जाए, ग्रेवी का पूरा फ्लेवर टोफू में अच्छी तरह से आ जाए। थोड़ा सा यहाँ पर पानी ऐड करेंगे ताकि
टोफू को जो मसाला है उसको एब्जॉर्ब करने में बड़ी आसानी होगी। और ये देखिए, तो यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आप कितनी रसीली रखना चाहते हो सब्ज़ी को या कितनी कम रसीली रखना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने ये देख सकते हैं आप लगभग 1 कप के करीब इसमें यहाँ पे पानी ऐड किया है। अब लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला और क्रश करके कसूरी मेथी। इन दोनों को डालने से जो गजब का फ्लेवर आएगा ना दोस्तों, आप इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे। अब लास्ट में सारे मसाले जो हमने बाद में डाले हैं वो अच्छी तरह से सब्जी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और एक दम सा लग जाए सब्जी में, इसके लिए हम इसको ढक कर पकाएंगे 5 से 7 मिनट। 5 मिनट हो गए हैं और अब हम लीड हटाकर देखते हैं कि हमारी सब्जी का टेक्सचर कैसा है। ये देखिए, वाओ कितनी बढ़िया दिख रही है ना। ऑयल इसमें वैसे ही हमने बहुत कम डाला था, फिर भी जितना भी था सब ऊपर आ गया है और ग्रेवी का जो टेक्सचर है कितना बढ़िया दिख रहा है। और इसमें जो हमने क्रीम डाला था उसमें से भी जो घी रिलीज हुआ होगा वो भी इसमें ऊपर आ गया है, बहुत ही बढ़िया दिख रही है। थोड़ा सा हरा धनिया से इसको हम गार्निश करेंगे और हमारी टोफू पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार है। दोस्तों आप भी इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आने पर वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अपने फीडबैक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सोया पनीर बच्चों के लिए तो हेल्दी होता ही है, साथ ही साथ बड़े लोगों के लिए भी ये बहुत हेल्दी होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।